friends, good morning to all and welcome you. Jamia Islamia Shahadul Ulooms, Ali Aldana College of Pharmacy, Akkalkota. I am Makrani Sharuk, Assistant Professor, Department of Pharmaceutics in Ali Aldana College of Pharmacy, Akkalkota. Today, in this video, I perform the practical of pharmaceutical engineering. The aim of today's practical is to study the effect of time on the rate of crystallization. The requirement of this practical is, first one is digital balance, different beaker, measuring cylinder, glass rod, chemical is citric acid, next one is the microscope and slide. Next point of today's practical is principle. So the solid is added into the solution until they undissolve. This solution is called as saturated solution. Further, this solution is put into the beaker, hot air and add some other solid. After they undissolve, this solution is called as supersaturated solution. The next point of this practical is theory. So, crystallization is a process of separation of pure substance in the form of crystal by saturated solution and cooling. It is called as crystallization. In other words, we can say it is a process of small arrangement of many small particles. Regular arrangement of many small particles, it is called as crystallization. The example of crystallization is salt crystal and sodium chloride crystal. This is the theory of today's practical. Now, the next point of today's practical is procedure. So, in this practical, what do you have to do? First of all, citric acid is here. इसको हमको प्योर करना है तो सिट्रिक एसिड हम लोगों ने यहां पर ऑलरेडी वेट किया है 50 ग्राम सिट्रिक एसिड लिया है उसके बाद हम लोगों ने एक बीकर के अंदर 40 ml वाटर लिया है 40 ml वाटर लेने के बाद उसको हमने हीट किया है हीट करने के लिए हम लोगों ने वाटर बाथ पे रखा या हॉट एयर पे रखा इसको 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करना है उसके बाद इसके अंदर जो सिट्रिक एसिड है हमारा इसको लिटिल बाय लिटिल ऐड करना है ऐड करने के बाद उसको कंटिन्यू स्टर करना है इसको हमें कब तक स्टर करना है तब तक ये अनडिसॉल्व नहीं हो जाता अगर अनडिसॉल्व हो जाता है ये सॉल्यूशन तो हमारा ये कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसके बाद हमें क्या करना है इसको पहले इनिशियल वेट हम लोगों ने ये लिया सिट्रिक एसिड 50 ग्राम की ये हो गया हमारा W1 उसके बाद जो पाउडर बन गया बच गया मतलब ये अनडिसॉल्व होगा ये पाउडर यहां पर बच गया ये रहेगा हमारा W2 तो हमें डिफरेंस निकालना है W1 - W2 जो बच गया वो W2 रहेगा उसके बाद हमें इस सॉल्यूशन को क्या करना है वाटर बाथ पे रखना है वाटर बाथ पे रखने के लिए हमें इसका जो है डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेंटेन करना है और इस सॉल्यूशन को हमें तीन बीकर के अंदर डिवाइड कर देना है इसके ए के अंदर बी के अंदर और सी के अंदर डिवाइड कर देना है और वाटर बाथ पे रखना है और 30 मिनट के बाद इसके अंदर से जो सॉल्यूशन था उसको फिल्टर करना है फिल्टर करने के बाद जो हमें ग्रैनुल्स मिलेंगे उसको हमें ड्राई कर लेना है उसका वेट ले लेना है डिजिटल बैलेंस के ऊपर तो ये ए का वेट होगा उसी की तरह बी का वेट लेना है हमें उसी तरह सी का भी वेट लेना है तीनों सॉल्यूशन का वेट लेने के बाद फिर हमें कैलकुलेशन की तरफ बढ़ना है और उसके बाद उसके अंदर ग्राफ भी बनाना है जिसके अंदर एक एक्सिस के ऊपर आपका टाइम रहेगा जो 30 60 90 जो हम लोगों ने मिनट लिया वो एक एक्सिस पर रखेंगे और जो परसेंट वेट ऑफ क्रिस्टल मिला है हमें वो वाई एक्सिस पर रखेंगे तो परसेंट वेट ऑफ क्रिस्टल किस तरह मिलता है सबसे पहले हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया यहां पर ये 50 ग्राम हो गया उसके बाद हम लोगों ने इसका 40 ml के अंदर जो 40 ml वाटर लिया उसके अंदर हमारा सिट्रिक एसिड कितना है वो डिटरमाइन किया तो उसके लिए क्या करोगे आप W3 के अंदर से W1 में से W2 माइनस करोगे तो ये हमें सिट्रिक एसिड यहां पर 40 ml के अंदर कितना है वो मिल जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है कि 10 ml के अंदर हमारा सिट्रिक एसिड कितना है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 10 ml के अंदर हमारा सिट्रिक एसिड कितना है वो मिल जाएगा उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ बढ़ेंगे यहां पर हम लोगों का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है क्योंकि यहां पर हमें क्रिस्टल बॉटम के अंदर दिख रहे मतलब ये हमारा जो सिट्रिक एसिड है वो डिसॉल्व होना बंद हो गया या अनडिसॉल्व हो रहा है तो ये बन गया हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसके बाद हमारा जो W2 था जो हम लोगों का रिमेन सब्सटेंस बचा है सिट्रिक एसिड वो हमें वेट कर लेना है यहां पर सो ये आया 2.20 इसमें टेयर का वेट कम माइनस करना है उसके बाद ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया अब इसको हम कहे तो तीन बीकर थे उसके अंदर ऐड करना है तो 1 by 1 इसके अंदर ऐड करेंगे हम
जो ए बी सी बीकर के अंदर रखा है इसको वाटर बाथ पे रखेंगे वन बाय वन, वाटर ऐड किया है कूल वाटर, ये ए वाला बीकर है हमारा, यहाँ पर ये दूसरा बी वाला बीकर है और ये सी वाला बीकर है, ए बी और सी, इसको टाइम मैनेज करना है हमें 30, 30, 60 और 90, उसके बाद इस जो बीकर है उसके अंदर से निकालना है और उसको फिल्टर करना है, फिल्टर करने के बाद जो क्रिस्टल मिलेगा उसको ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद उसका वेट करना है, तो वेट जब हम करेंगे तो हमें फिर ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर जो वेट आ रहा है हमारा ग्राम ऑफ क्रिस्टल उसको रखना है, उसके बाद हमें वेट परसेंट वेट ऑफ क्रिस्टल मिल जाएगा। चलो ये फ्रेंड्स, उसके बाद हमें जो हमारा जो सॉल्यूशन हमने ए बी और सी बनाया है उसको फिल्टर करना है, फिल्टर करने के बाद उसको ड्राई करना है, ड्राई के लिए आप हॉट एयर का यूज भी कर सकते हैं, हेयर ड्राई का यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए जो पहला जो ए सॉल्यूशन बना था हम लोगों ने उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद उसका जो वेट किया वो हमारा 3.01 है, उसी की तरह हमें जो बी और सी इनका भी हमें वेट लेना है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ। फ्रेंड सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन की तरफ, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लिखना है और उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है वेट ऑफ सिट्रिक एसिड जो हम लोगों ने डब्ल्यू करा, तो ये पहले लिखना है आपको, उसके बाद लिखना है वेट ऑफ सिट्रिक एसिड में जो हम लोग का सॉल्यूशन बन गया और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया उसके बाद जो सिट्रिक एसिड बचा है वो लिखना है, तो हमारा जो वो रहेगा W2, तो यहाँ पर जो W2 के अंदर 2.14 ग्राम हमें रिमेन बचा है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है वेट ऑफ सिट्रिक एसिड इन 40 ml वाटर, क्योंकि हम लोगों ने 40 ml के अंदर जो सिट्रिक एसिड 50 ग्राम था वो एड किया डिजोल्व किया है, तो ये रहेगा W3, तो W3 कैसे मिलेगा हमें W1 - W2, तो हमें W1 क्या था हमारा 50 ग्राम जो सिट्रिक एसिड लिया था वो, उसके बाद जो W2 था वो जो रिमेन बचा हमारा सिट्रिक एसिड वो था 2.14, तो जब माइनस करेंगे 50 - 2.14 तो हमें 47.86 ग्राम ये 40 ml के अंदर सिट्रिक एसिड के अंदर हमें मिला, उसके बाद हमें लिखना है वेट ऑफ सिट्रिक एसिड इन 10 ml ऑफ वाटर, 10 ml के अंदर हमारा सिट्रिक एसिड कितना है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया 40 ml के अंदर 47.86 मिला, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40 में हमें 47.86 मिला तो 10 में कितना, तो 10 × 47.86 / 40 तो हमें ये इसका आंसर मिल जाएगा 11.90।